कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन किए जाने के बाद पूरे देश में बजरंग दल के द्वारा कांग्रेस का विरोध किया जा रहा है। जबलपुर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बलदेव बाग स्थित कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर विरोध व्यक्त किया, लेकिन यहां पर देखते ही देखते बजरंग दल के कार्यकर्ता उग्र हो गए और कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर डाली, जिसके बाद कांग्रेस भी एक्शन मोड में आई और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर बजरंग दल के सुमित ठाकुर, सत्यम रैकवार, राहुल बघेल तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन तीनों बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बहरहाल पुलिस ने तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो फुटेज के आधार पर और अन्य बजरंग दल के कार्यकर्ता जिन्होंने तोड़फोड़ की थी उनकी तलाश की जा रही है। ये बलदेव बाग स्थित जो कांग्रेस कार्यालय है उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया था और तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा जो FIR कराई गई है उसमें अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और को भी हम फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई करके उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उनके कुछ नाम जिनकी गिरफ्तारी हुई, एक जो है सुमित ठाकुर है, इनमें से एक सत्यम रैकवार है और एक राहुल बकेले है।